अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज 14th ऑफ अगस्त। मैं मौजूद हूँ हुंजा में। कल रात को हमारी स्टे थी यहाँ हुंजा करीमाबाद में। करीमाबाद के करीब ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स के हाइक पर है बल्तीत फोर्ट, जो कि 800 इयर्स ओल्ड फोर्ट है। हम जा रहे हैं बल्तीत फोर्ट को विजिट करने। कम जॉइन अस। रूम की हालत बिल्कुल हॉस्टल हो चुकी है, जिस तरह हॉस्टल नहीं होते। बिलाल, आर यू रेडी टू गो? लेट्स गो। वी आर द अदर टू गाइज। अब्दुल्ला इज देयर। मौसम क्या काफी प्यारा हो गया। रात के टाइम पे जैसा कि सर्दी ज्यादा होती है, तो वैसा ही दिन के टाइम पे धूप बहुत ज्यादा गर्म होती है। सारा सनबर्न हुआ है। आई डोंट नो इफ यू पीपल कैन सी इट। एक से डेढ़ दिन हो गया यहाँ पे हुंजा में मेरा, लेकिन इस होटल में पीछे रिसेप्शन पे कभी कोई नहीं बैठा होता। आई डोंट नो व्हाई। करीमाबाद में थोड़ा ऊपर आते ही आप लोगों को यहाँ पे, मतलब बल्तीत फोर्ट की तरफ, आप लोगों को पार्किंग भी मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर एक FG मॉडल हाई स्कूल भी सामने। चूँकि आज 14 अगस्त है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई इवेंट वगैरह स्टार्ट है और नगमों वगैरह की आवाज़ें भी आ रही है। जब तक आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे, आई होप आप लोगों ने अपने अपने शहर में 14 अगस्त मनाया होगा। बल्तीत फोर्ट का व्यू आना स्टार्ट हो गया है मेरे पीछे। अगर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बोर्ड है बल्तीत फोर्ट कैफे, तो कैफे भी इस साइड पे है और वॉशरूम भी इस साइड पे है। और ये जो रास्ता गया हुआ है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बल्तीत फोर्ट की तरफ गया हुआ है। रास्ते में हमें कुछ भाई मिले थे जो ये बता रहे थे कि बल्तीत फोर्ट की एंट्री के लिए आप लोगों को पर हेड 500 पे करने होंगे। मेरे ख्याल से कोई रेस्टोरेशन या मुरम्मत का काम भी जारी है, हल्की फुल्की। पूछना था ये एंट्री का क्या सिस्टम है यहाँ पे? यहाँ टिकट लेनी पड़ती है सर। अच्छा जी, टिकट पर हेड 500। पर हेड 500। और कहाँ से रजिस्ट्रेशन करनी होगी? बहरहाल यहाँ ऊपर से अगर आप व्यू की बात करें, तो द व्यू इज जस्ट अमेजिंग। थम्स अप फॉर इट। टिकट ऑफिस बल्तीत फोर्ट टिकट हाउस, प्लीज वॉच योर हेड। काफी अंधेरा है अंदर से, लेकिन वील वेट फॉर अब्दुल्ला एंड अवैस। ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन अब्दुल्ला और अवैस का कोई नामो निशान नहीं है। ये सामने टिकट ऑफिस है। हमने अंदर पूछा कि व्हाट्स द सीन अबाउट टिकट्स, लेकिन वो बोल रहे हैं कि दे आर बिजी। तो आई डोंट नो, ये छोटा सा रूम है यहीं पर ऊपर। बाहर तो बहुत ज़्यादा सख्त धूप चल रही है और मेरे ख्याल से क्लाउड भी चले गए हैं। तो मैं और बिलाल आर हेयर, सो लेट्स सी वो कब पहुंचते हैं और उसके बाद क्या सीन होता है। बिलाल को ऑलरेडी बहुत प्यास लगना स्टार्ट हो गई। पता नहीं अवैस और अब्दुल्ला किधर गायब हो गए हैं। बिलाल बोल रहा है कि कुछ 5 मिनट पहले उसने उन्हें यहाँ पे देखा था। हम दोनों का अभी तक पता नहीं चला। मैंने और बिलाल ने तो टिकट ले लिए और वी आर ऑन अवर वे। अवैस और अब्दुल्ला फाइनली पहुंच गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रास्ते में हर एक दरख्त के हर एक पत्ते की वीडियो इन लोगों ने बनाई होगी, साथ ही में हर एक पत्थर की वीडियो भी इन लोगों ने बनाई होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गाबू खान। अच्छा जी, थैंक यू। फोर्ट में किस टाइम पे एंट्री कर रहे हैं हम लोग? 1:30। इट्स 1:30। 14th of August, वी आर एंटरिंग बल्तीत फोर्ट एट हुंजा। ये जो है ये मेन डोर, आप इसको कह सकते हैं बल्तीत फोर्ट का मेन डोर है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इस फोर्ट के जो दरवाजे हैं, तो ये मे बी 5 feet और 5 5 इतने छोटे दरवाजे क्यों हैं? या तो ये फ्लोरिंग ऊपर की हुई है इन लोगों ने,
और या फिर मेरे ख्याल से उस वक्त के लोगों की हाइट छोटी होगी तो तभी ये सीन हो सकता है। वेलकम टू बाल्टी फोर्ट, मेरा नाम सजाद अली और मैं आपका टूर गाइड हूं। टूर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस किले का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर आगे हम इसके दर्शन करेंगे। तो नॉर्दर्न एरियाज जिसको ग्रेट बल्तिस्तान कहते हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पे छोटे छोटे रियासत हुआ करते थे। उनमें से यह हुंजा भी एक रियासत थी। जितने भी हुक्मरान थे वो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाते थे। तो यहाँ हुंजा को हुक्मरान ने पहले अल्तुत फोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ये बल्तिस्तान फोर्ट। अल्तुत फोर्ट को लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कॉलेज या स्कूल में इंसान लेक्चर नहीं सुन रहा, वैसे फील हो रहा है। जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ या मैं वॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नीचे अंडरग्राउंड में स्टोरेज कंपार्टमेंट्स थे, जहाँ पे ज़्यादातर तो गंदम और जिसे आप वीट भी बोल सकते हैं वो स्टोर होता था। और छोटे दरवाजे होने की मेन वजह जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन इसकी मेन वजह ये वो नहीं थी कि उनके कद छोटे थे, उनकी मेन वजह ये थी कि यहाँ पर हुंजा में उस टाइम पर सर्दी और स्नोफॉल मतलब बहुत ज़्यादा होता था। तो ये दरवाजे छोटे बनाने का मेन मकसद ये था कि मतलब रूम टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए। ये जो जगह मेरे पीछे, तो ये उस जमाने का शाही क्या बोल सकते हैं, शाही बावर्ची खाना होता था। तो यहाँ पे मतलब आप लोग अगर ये छत पे नजर डाल सके तो यहाँ पर कि तो यहाँ पर ये सारा स्मोक है। और ये बावर्ची खाना तकरीबन ऑलमोस्ट किले के हिसाब से ये 800 ईयर ओल्ड बावर्ची खाना था। ये एरिया एक गार्ड रूम एरिया था। यहाँ से ये जो छोटे छोटे विंडोज बने हुए हैं, यहाँ से नीचे पूरे हुंजा और पूरे किले पे नज़र डाला जाता था। और ये ड्रेसेस जो हैं, तो ये लोकल्स फीमेल पहनती थी और ये ड्रेस जो है ये लोकल्स जेंट्स पहनते थे। दिस इज़ द रूफ टॉप ऑफ बल्तिस्तान फोर्ट। यहाँ से ऑलमोस्ट पूरे हुंजा का व्यू होता है। हुंजा मीन्स करीमाबाद, हुंजा का पूरा व्यू होता है। ये हायरार्की वाइज यहाँ से लेकर आते 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 यहाँ तक, ये सारे हुंजा के प्रिंस और किंग की फ़ोटोज़ हैं। ये लिबास जो है, तो ये ज़्यादातर मतलब ये प्रिंस और प्रिंसेस जो होती थी, तो ये शादी ब्याह के मौके पर ये लिबास काम आते थे। ये रूम जो है, तो ये रॉयल समर बेडरूम है। दिस वॉज इन यूज़ ऑफ द किंग एंड क्वीन। ये मिरर जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, दिस मिरर वॉज फर्स्टली प्रेजेंटेड टू हुंजा बाय मीर साहब। ये मिरर जब यहाँ के लोगों को दिखाया गया था फर्स्ट टाइम हुंजा में, जब मिरर आया था तो ऐसा फील होता था इन लोगों को कि शायद इस मिरर में कोई जादू वगैरह है कि लोग इसके थ्रू अपने आप को देख सकते हैं। ये रूम जो है, तो ये यहाँ की रानी का रूम था। और रानी जो है, तो वो यहाँ मतलब यहाँ बैठ कर धूप लेती थी, धूप से। और ये जो सामने खिड़की है, तो यहाँ से वो पूरे हुंजा का व्यू एंजॉय करती थी। ये हॉल जो है, तो ये मेनली जो है ये शादी ब्याह के लिए यूज़ होता था। इसके अलावा ये हॉल जो है ये दरबार के तौर पे भी यूज़ होता था। दीज आर सम ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और साथ ही में ये उस टाइम की चाइनीज़ करेंसी होती थी, जब फर्स्ट टाइम चाइना से पेपर करेंसी आई थी। और साथ ही में फ़ोन ऑफ़।